हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेथड क्लास में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लिमोकोल ड्रॉप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लिमोकोल ड्रॉप्स जो कि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है डॉक्टर की ओर से और पेशेंट की ओर से भी। 60 रुपीज में मिलने वाली ये ड्रॉप्स आपको बहुत कॉमनली मिल जाती है मार्केट में, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली इसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊंगा इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसका क्या फायदा होगा और ये कैसे दिया जाता है। दोस्तों लिमो कोल्ड जो होता है ये कोल्ड यानी सर्दी के लिए यूज किया जाता है बच्चों में, बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक यानी 2 ईयर्स तक भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों इसके अंदर जो कंटेंट्स है, 2 कंटेंट्स है, फिनाइलएफ्रीन और क्लोरफिनारमिन मैलिएट। यश फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत बढ़िया कंपनी है। 60 रुपीज की मिलने वाली पैक में आपको क्लोरफिनारमैलिएट जो होता है वो मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम से वेरी होकर 2 मिलीग्राम, अब तो इसके अंदर 2 मिलीग्राम होता है जो कि मैं आखिर में वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों डोसेज के लिए आपको क्यों इम्पोर्टेंट है डॉक्टर की एडवाइस, इसलिए क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है। दोस्तों इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है नींद आना, सुंदपन होना, एक्टिव नहीं होना, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए ये क्या करें दोस्तों, डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही इस्तेमाल करें डोज। कभी 0.3 होता है, 0.5 होता है, 0.1 होता है, डिपेंड करता है बच्चे की उम्र कितनी है, डिपेंड करता है बच्चे का वजन कितना है। इसीलिए कृपया करके गूगल में जाकर डोसेज ना चेक करें, क्योंकि आप अगर गलती से ज़्यादा डाल देते हो तो बच्चा नींद करने लगता है ज़्यादा, क्योंकि और वो हानिकारक भी हो सकता है। यह आपको फिनाइलएफ्रीन जो होता है क्लोरफिनारमैलेट, ये सिक्रीशंस कम कर देते हैं, स्पेशली जुखाम जब होता है तो सिक्रीशंस ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सर्दी ज्यादा हो जाती है। तो ये सिक्रीशंस कम कर देते हैं, हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है और इसका जो इफेक्ट है, सर्दी आपकी 15 दिन की सर्दी आपको 5 दिन में कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी सर्दी कम नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि लिमोकोल्ड अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि डायग्नोसिस दूसरा करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक ऐड करनी पड़ेगी और आपको दिन में 3 टाइम देना पड़ेगा। ओके तो चलिए दोस्तों।